हेलो गाइस, शुभ दोपहरी। आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटे को जी भोरी आशीर्वाद। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो गाइस, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, मैं व्लॉगिंग काफी लेट स्टार्ट की मैंने। टाइम हो चुका है 12:54 और हम लोगों का खाना भी बन चुका है। बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। उम्मीद है इस टाइम तक आप लोगों का खाना बन गया होगा, कईयों ने नहीं खाया होगा। तो गाइस, हाँ, मैं बता रही थी कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है और जिस व्लॉग का आपको काफी टाइम से इंतजार था, मैं वही व्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ। कई दोस्त मेरी, कई सहेलियां मेरी मुझे व्लॉग वीडियो में मेरे व्लॉग पे कमेंट करके पूछती थी कि दीदी प्लीज अपने हेयर टिप्स बताओ, हेयर टिप्स के, हेयर ग्रोथ के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं ऐसे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूंगी। और गाइस, आप लोग व्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो गाइस, आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हेयर टिप्स के बारे में जरूर कुछ अच्छा सा टिप्स दूंगी, आपके हेयर ग्रोथ जिससे बढ़ सके, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो गाइस, चलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोग मेरे बाल देख ही रहे होंगे, मेरे बाल पहले से काफी बढ़ चुके हैं। पहले मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे और अब मेरे बाल छोटे से काफी लंबे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बालों में क्या लगाया। तो गाइस, मैं एक बार मेरी दोस्त ने बताया था, दोस्त तो नहीं, मुझसे बड़ी थी वो दीदी, तो मैंने, उनके बाल बहुत लंबे थे यहाँ तक मतलब, तो मैंने उन्हें पूछा था कि दीदी आप अपने बालों में क्या लगाते हो। होता है ना कि कोई किसी के बाल लंबे होते हैं तो पूछने का कि पता नहीं क्या लगाते होंगे कैसे। तो मैंने उन्हें पूछा था कि दीदी आप अपने बालों में क्या लगाते हो, तो उन्होंने बताया था मुझे कि बता तो दूंगी मैं तुम्हें पर शायद तुम कर ना पाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों, कि क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है कि करना, उसे कंटिन्यू करना, ये सब बोला था ना। फिर भी मैंने कहा था कोई नहीं मैं कर लूंगी, क्योंकि तब मुझे लंबे बाल चाहिए थे, तब मेरे लोगों के लंबे बालों पे ही ध्यान जाता था। अब मेरे खुद के हो गए तो मेरा ऐसा कुछ ध्यान नहीं जाता बालों पे, पर तब जाता था। तो लोगों ने, तो मतलब दीदी ने बोला मुझे कि तुम कर नहीं पाओगे। मैंने कहा दीदी ना 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 बताओ, तो मैंने, उन्होंने बताया मुझे। तो गाइस, वही टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर उससे आप लोगों का फायदा होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अगर आपका भी उससे फायदा होता है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको सूखा सूखा हुआ क्या बोलते हैं, सिकाकाई, आंवला और रीठा, ये तो जानते होंगे आप लोग। तो ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाएगा गाइस। तो ये आपको लाना है, थोड़ा थोड़ा लाना, पहले ज्यादा मत लाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लाना। सिकाकाई, आंवला, रीठा, ये तीनों चीज आपको लेके आना है। और ये आपको एक छोटे से बर्तन में, मतलब कुछ में भी, पतीले में या कुछ में, आपको इसमें पानी डालना है और इसे खूब उबालना है, बहुत उबालना है। और इसका आपको पेस्ट बनाना है, समझ गए गाइस आप, आपको इसका पेस्ट बनाना है। और अपने बालों को पहले एक दिन धुल देना, उसके बाद अपने बालों में लगाना है ऐसे जड़ से, और काफी देर जब सूख जाए उसके बाद आपको धो देना है, ठीक है गाइस, उसके बाद आपको धो देना है। आपको ये हफ्ते में एक बार करना है, तो महीने में चार बार, अगर चार बार नहीं कर पाओ तो महीने में तीन बार कर लेना। और जितना हो सके गाइस ना, अपने बालों को बांध के रखा करो, ऐसे खुले मत रखना, खुले से थोड़ा बाल खराब हो जाते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जूड़ा बना के भी बालों में अच्छी ग्रोथ होती है बालों की, तो आप लोग जूड़ा बना के रखना अपने बालों का। और गाइस, हाँ, एक बात मैं और बता देती हूँ, अगर कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि उसके बालों में ये चीज सूट नहीं करती जो मैं आंवला, रीठा, सिकाकाई बता रही ना, मेरे बालों पे सूट हुआ गाइस, ये मैं रियली बोल रही हूँ, मेरे बालों पे बहुत सूट हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किसकी स्किन कैसी है, किसके बाल कैसे है, पता नहीं आप पे सूट करे ना करे। तो आप प्लीज एक बार पहले थोड़ा सा लगाना, अगर आपके बाल ना झड़े उससे तब आप यूज करना, वरना बिल्कुल मत करना, ठीक है गाइस। और ये आपके लिए पहला ऑप्शन। और दूसरा, जिनके बालों में ये सूट ना करे वो प्याज का रस लगा सकते गाइस। आपने सुना होगा कईयों के मुंह से कि प्याज का रस सच में बहुत अच्छा होता है हमारे हमारे हेयर के लिए, बहुत उससे हमारे हेयर स्मूथ से हो जाते हैं, बहुत सुंदर सा शाइनिंग सी आने लगती है बालों में। तो गाइस, आप लोग
प्याज का रस लगाएं, वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और गाइस आप लोग पूछ रहे थे कि मैं बालों में कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, कौन सा कंडीशनर, तो गाइस मैंने ये बाल जो मेरे हैं ये मेरे नेचुरल बाल नहीं है, मेरे नेचुरल बाल थोड़ा कर्ली है, ये बाल मेरे मैंने स्मूथनिंग करवाई है। स्मूथनिंग से आपको मेरे बाल सीधे दिखते हैं और मैं अपने बालों में अब लोरियल का कंडीशनर और शैम्पू दोनों ही लोरियल के यूज करती हूँ। तो गाइज आप देखना आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो या शादी में जा रहे हो तो आप कंडीशनर यूज कर कीजिए, कोई सा भी अच्छा जो आपको लगे। मैं तो लोरियल यूज करती हूँ, आप देखना आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो गाइज मेरी हेयर टिप्स तो यही थी, बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल की बात करें तो मैंने बचपन से और लगभग कितने साल की 22 साल तक मैंने, जब तक मैं 22 साल की थी तब तक मैंने घर का शुद्ध सरसों का तेल लगाया था। अब जब से मैंने बाल अपने स्ट्रेट किए तो मुझे बाल मतलब मैं ऑयल नहीं लगाती, बिल्कुल ही नहीं लगाती, मुझे थोड़ा चिपचिपा सा लगता है, तो मैं उसके कारण बिल्कुल हेयर में ऑयल यूज नहीं करती। अगर आप लोग लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छा होता है घर का शुद्ध सरसों का तेल हमारे बालों के लिए। तो गाइज आप लोग उसे यूज कर सकते हो, जो मैंने ये आपको टिप्स बताई आप इसे भी यूज करके देखना। पर प्लीज पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे सूट हुआ था इसलिए मैंने यूज किया था, मैंने इसे 3-4 बार यूज किया था, मैंने महीने में एक ही बार यूज किया था, लेकिन मेरे थोड़े बालों की ग्रोथ भी सही है। तो गाइज मैं इतना तो मुझे नहीं पता कि पता नहीं आपके बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश करोगे तो शायद थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो गाइज मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे कि आपके बालों में भी अच्छी सी ग्रोथ बने, आपके बालों की लंबे हो जाए, आपके बाल बहुत लंबे हो जाए, कि आप भी मुझे याद करो कि हाँ किसी ने हमें टिप्स दिया था। और गाइज अपने बालों को बांध के ज्यादा रखो, करो जूड़े में सही रहते थे। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और मुझे इतना परफेक्टली बोलना नहीं आता फिर भी मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग काफी टाइम मुझे हर ब्लॉग में बोलते हो दीदी हेयर ग्रोथ के बारे में बताओ कुछ, या फिर आगे भी पूछते रहते हो कमेंट में या मैसेजेस में इंस्टा पे। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये यूज करके देखिए, अगर आपके बाल बढ़ते तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको हेयर टिप्स कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर।